देखिए, ये तो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो प्रभार मंत्री के रूप में दिया जाता है कि राज्य के सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही ढंग तक जिला में उतर रही है कि नहीं, उसकी पूरी समीक्षा और साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी हो। तो ये दोनों काम, और कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री को लगाया जाता है, साथ में वहाँ के जो स्थानीय समस्याएं हैं उससे भी सरकार को समय समय पर अवगत कराना, कुछ मूलभूत चीज़ें जो सरकार की प्राथमिकता है वो नीचे उतर रही हैं कि उतर रही हैं उसको देखना। और मेरा मानना है कि और जो हमारे सामाजिक और अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे से भी समन्वय करके वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराना। तो मेरा मानना है कि प्रभारी मंत्री के रूप में सभी लोगों को एक मौका मिलता है राज्य सरकार के पूरे विषयों को लेकर जिला स्तर पर जाकर काम करने का। पार्टी में यही प्रक्रिया है, हम हारते हैं और जीतते हैं दोनों ही स्तर पर हम समीक्षा करते हैं कि हमारी कहां पर कमियां रहीं और कमियों को कैसे बेहतर किया सकता है। और ये देश भर में ये चलता है, आज जैसे छत्तीसगढ़ में ही इसकी समीक्षा बैठक रविवार को हमने रखा है। हर राज्य में राज्य स्तर पर जो काम हुए हैं उसकी पूरी समीक्षा होती है, उसी क्रम में ये सभी राज्यों में हो रहा है और हर राज्य में जो अच्छी चीज़ें हुई, जो कमियां रही, सब पर आगे उसका क्या निराकरण किया जा सकता है उस पर काम होता है। उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम और हमारी पार्टी और महागठबंधन खड़ी है। जिस तरह से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, इस वजह से विदेश का में कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते हैं। कुवैत में जो घटना घटी है यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। मोदी जी को लंबी चोरी केवल भाषण नहीं और जनता का ठगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। अगर काम देश में मिलता तो शायद वो विदेश में कमाने नहीं जाते, ये नाकामी है केंद्र की सरकार की। सवाल इस समीक्षा हर पार्टी के लोग करते हैं और जनता मालिक होती है और जनता को वोट देना होता है। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है महंगाई से निजात और जनता चाहती है जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार। यहाँ तो केवल बात बनाना है और जात के नाम पर वोट लेना है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, उसे थोड़ी सुधार होगा। सुधार सभी स्तरों पर होना होगा और जब तक सुधार सभी जगहों पर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, कितना हूँ करते रहे। जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है, इस बार भी होगा। इसी क्या होगा जो जनता तय करेगी, और जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। इस बार आपने देखा देश का जो रुतबा है उसको देखा कि जनता मोदी जी को नकारने का काम किया। भले वो सरकार बना लिए वो अलग चीज है, लेकिन जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। बड़े लिस्ट के साथ ये आरोप लगाया आपने, लूट मर्डर होता है ऐसे लोग। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर सराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त, प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे और बिहार में भी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी।
अपराधी और माफिया सब पर अंकुश शुरू हो चुका है। सर एक सवाल, आज मीटिंग आज भी हुई है, कल भी मीटिंग, आज विधायकों की भी बैठक होने जा रही है, समीक्षा में क्या कुछ फाइंड आउट हो पाए कि मंथरा और केकई कौन है पार्टी के अंदर, या जिस कारण से जो रिजल्ट का अनुमान था वो कम आ गया? देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला, और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिलकर के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके एजेंडा को संविधान पर खतरा बताया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये भ्रम फैलाया है, ये लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सर नीतीश कुमार को लेकर सर एक आखिरी सवाल और है कि नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है छात्रों का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो भी है ग्रेस मार्क वाले हैं स्टूडेंट उनकी फिर से एग्जाम होगी और दूसरी प्रकार की। देखिए, माननीय न्यायालय इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार भी सजग है और पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ इस पर एक्शन होगा। सर आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खुश नहीं है और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। देखिए, राजद के लोग जनता का जनादेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, उसको 2005 में जो जनता आउट कर दिया वो चोर दरवाजा से घुसने के लिए ताक झांक करता है, झूठ का अफवाह भ्रम फैलाता है और यही जुगाड़ में रहता है कि कैसे हम कहां से प्रवेश करें। लेकिन इस बार ऐसे जो अपराध भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले, जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कहीं से जगह मिलने वाला नहीं है। किस तरह से देखते हैं जो चुनाव परिणाम है? देखिए, ये चुनाव परिणाम का समीक्षा बैठक नहीं है, ये विधायक दल की बैठक है। बिहार के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, गर्मी का समय है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इन तमाम विषयों पर बैठक होगा और बैठक में स्पष्ट विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि बिहार के विकास में जो भी कमी है काम किया जाए। लेकिन विधायकों को बुलाया गया है तो स्वाभाविक तौर पर फीडबैक भी लेने का काम होगा लोकसभा। देखिए, फीडबैक भी लिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो काम है, जो एजेंडा होता है राज्य के विकास का, विधानसभा के विकास का, तो इसलिए सभी हमारे विधायकों को बुलाया गया कि कहाँ क्या समस्या है और किस तरह से विकास के काम होंगे। साफ दिखाता है कि कानून जो है पूरी तरीके से सबका काम नहीं कर पा रहा है, सरकार जो है
पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखें तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है, ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है, किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें, इसकी समीक्षा करें, दोषियों पर कार्रवाई करें। नीट का जो पेपर को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है सर, नीट को लेकर अब हो ठीक है ना? आगे आगे जो था सर, कुछ फाइंड आउट निकल पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी बक्सर के क्षेत्र से जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कहा था कि मैं हूँ मैं ही रहूँगा, कुछ ऐसी बातें भी आई थी, क्या उन तमाम चीज़ों पर भी बात हो रही है? देखिए लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूँ, हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूँगा मिलूँगा और इस बात का आकलन जरूर करूँगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी वो हार कैसे। भीतर घात और छल की बात तो लगता है कि अंदर भी हुई है पार्टी के अंदर। देखिए जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी, फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। चूँकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी अब विजय सिन्हा ने माना कि मंथरा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है, तो देखिए केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहा, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा।